गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। सबको मजा आ रहा है हिंदी पढ़ने में? आ रहा है? वेरी गुड। तो आज देखो मैम क्या लेके आई है। त, आज हम क्या सीखेंगे? त। और आज मैम आपको इसकी स्टोरी भी सुनाएगी। सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना, तो मैम ने सोचा कि आज आपको त की स्टोरी भी सुनाए। तो हमारी क्लास में तनिष्का, तनुष और तनव सब जानते हैं ना, आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये तीनों जने खेल रहे थे। कौन तीन फ्रेंड्स थे? तनुष, तनव और तनिष्का। ये तीनों खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर तितली उड़ रही है। तो उनका मन किया कि वो उस तितली को पकड़े, और वो उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। और जैसे ही वो तितली पकड़ने लगे, तितली और आगे भाग जाए। और ऐसे भागते भागते वो बहुत दूर निकल गए, एक बगीचे में पहुंच गए। और वहां उस बगीचे में उनको एक तबले की आवाज आई। उनको उन्होंने सुना कि कहीं से बहुत जोर जोर से तबला बज रहा है। तो वो आगे गए और वहां पे एक घर था। उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उसके अंदर गए तो वहां पर कोई नहीं था। वहां पे बहुत सुंदर सुंदर सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं था। और वहां पर एक तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही उस तस्वीर को ऐसे साफ करा तो उसमें से राजा निकले। वो किसकी तस्वीर थी? राजा की तस्वीर थी। तो राजा ने उनको बताया कि मुझे इस तस्वीर में एक जादूगर ने कैद करके रखा हुआ था, बंद करके रखा हुआ था बहुत दिनों से। और तुम सबका बहुत बहुत थैंक यू बच्चों कि तुमने मुझे इस तस्वीर से बाहर निकाला। अभी जब वो तीनों बच्चे और राजा बात कर रहे थे, तो उनको एक तोते की चिल्लाने की आवाज आई। किसकी आवाज आई? तोते की। वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वो तोते की आवाज सुनकर वहां पर वो जादूगर आ गया। किसका तोता था वो? जादूगर का। तो जादूगर उनको मारने के लिए उनकी पीछे पीछे भागा। सब भागने लगे, और भागते भागते, तनु सबसे छोटा है ना, तो भागते भागते क्या हुआ, वहां पर एक तालाब था। और तनुष का पैर स्लिप किया और वो पानी में गिर गया। फिर राजा ने और तनिष्का ने, तनुष ने उसको मिलकर बाहर निकाला। तो अब वो गीला हो गया था। तो जब हम गीले होते किससे साफ करते हैं? तौलिए से। तो राजा ने उसको तौलिया दिया और वो बहुत डर गया था। तो राजा ने कहा कि तना डरो मत। और राजा ने अपनी तलवार निकाली और उस जादूगर को मार दिया। और फिर राजा ने कहा कि तुम इतने सारे इतने अच्छे बच्चे हो तुम तीनों, और इतने बहादुर हो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। फिर उनको भूख लगी तो वहां पर उस बगीचे में तरबूज लगे हुए थे। फिर उन्होंने तरबूज खाया। और राजा ने कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम सबको एक तोहफा दूं। तो राजा के पास एक तिजोरी थी और उसमें ताला लगा हुआ था। फिर राजा ने उस ताले को तोड़ा और उसमें से, उसमें क्या होता है तिजोरी में? हीरे, सोना, चांदी, वो सब कुछ उस तिजोरी में था। और राजा ने तीनों को एक-एक तोहफा दिया और फिर उनका धन्यवाद किया। और उन बच्चों ने भी राजा को थैंक यू बोला और वहां से अपने घर को जाने लगे। अब जैसे ही तीनों जाने लगे तो पता है क्या हुआ? तनिष्का की आंख खुल गई। और जब तनिष्का की आंख खुली तो तनिष्का ने देखा कि वो तो अपने रूम में अपने तकिए पर सो रही थी। उसको क्या आया था? वो सपना। तो
उसने ये सब कुछ कहाँ देखा? सपने में देखा। आप सबको भी सपने आते हैं ना? कभी कभी बड़े मजेदार सपने आते हैं, है ना? तो तनिष्का को भी वो सपना आया था। अच्छा था तनिष्का का सपना, है ना? तो देखो, तसी तरबूज, तसी तितली, तसी तकिया, तसी तलवार, तसी तबला, तसी ताला, तसी तोता, तसी तलाक, तसी तोपा, तसी तस्वीर, तसी तौलिया और तसी तीन। और वो तीन तनिष्का, तसी तनुष, तसी तनव, तसी तरबूज रोज खाओ, गर्मी को तुम दूर भगाओ। तसी तरबूज रोज खाओ, गर्मी को तुम दूर भगाओ। तो आज हम क्या लिखेंगे? त, ठीक है? और ये पहले वाला सबको आ गया है, क से अण तक। एक बार इसको भी पढ़ ले। क ख ग और आज क्या लिखेंगे? त। क्या डेट है आज? 7 सितंबर 2020। रेड लाइन, ब्लैक लाइन, अगेन ब्लैक लाइन, अगेन ब्लैक लाइन, रेड लाइन। कौन सी नोटबुक है ये? हिंदी की। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्लैक लाइन से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और ये जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर से ऐसे नीचे आएंगे। त से ताला, त से तरबूज, त से तस्वीर, त से तालाब, त से तितली। ठीक है, मजा आया ना आज? तो सब अब सुंदर सुंदर लिखेंगे।